हर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। मेरा बिटिया कहाँ थी तुम? ये सब क्या है? बिटिया कहाँ चली गई थी तुम? आओ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ मीरा, अनेको उपहार आए तुम्हारे लिए चित्तौड़ से, तुम्हारे कक्ष में रखवा दिए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ। बड़ी भाग्यशाली है हमारी मीरा, समूचे मारवाड़ में ऐसे साज श्रृंगार का सामान किसी भी स्त्री के पास ना होगा। हाँ, सब सोचती रह जाती हैं कि हमारे पास ऐसे गहने हो, ऐसे साज और श्रृंगार का सामान हो, किंतु कहाँ मिल पाता है? बताओ मीरा, तुम्हें अच्छा लगा ना ये सब? देखो मीरा, ध्यान से देखो, कितना कुछ है यहाँ तुम्हारे लिए। बताओ पुत्री, भाग्यशाली हो ना तुम? हाँ ताईसा, मैं भाग्यशाली तो हूँ, क्योंकि मीरा को जो साज श्रृंगार के लिए चाहिए वो उसे मिल चुका है। गुरुजी का दिया हुआ ये एक तारा और ये जाप माला। आज मैं बहुत खुश हूं माँ। ताईसा, आप भी मेरे लिए खुश है ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल, इतना सब किया, कहां कहां से साज श्रृंगार का सामान नहीं मंगवाया, इतने गहने इकट्ठा किए, पर फिर भी मीरा ने उन्हें एक आंख न देखा। वो तो अभी भी एक तारा और जाप माला में ही रमी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जोगन बन जाएगी। लगता है मेरा कहा सच होने में अब अधिक देर नहीं है। भक्त का आभूषण उसका श्रृंगार, उसकी भक्ति है, तो एक प्रेमी का श्रृंगार है उसका प्रेम। अब दोनों ही श्रृंगार के साधन मीरा के पास थे, भक्ति के लिए जाप माला और प्रेम के लिए उसका एक तारा। ऐसे में उसे स्वर्ण रजत के आभूषणों का आकर्षण भला कहाँ होने वाला था। गुरु के दिखाए मार्ग पर मीरा ने अपने पांव बढ़ा ही नहीं दिए थे, अपितु
वो तो उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी इस यात्रा में उसे परिवार के बस एक ही सदस्य का समर्थन प्राप्त था, किंतु संसार में तो सब नश्वर होता है, तो मीरा को ये समर्थन कब तक मिलने वाला था ये भला कौन जानता था। अत्यंत सुंदर रचना है तुम्हारी मीरा बिटिया, एक बार और तो पढ़कर सुनाओ। अवश्य दादाजी सर। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अपने शब्दों में तुमने कल्पना का ऐसा रस बुना है मीरा बिटिया, प्रतीत होता है जैसे स्वयं प्रभु सामने खड़े हो। प्रभु से मिलने की तुम्हारी जो तड़प है वो शब्दों की माला बनकर मेरे हृदय में यूं समाई है कि अब मेरे मन में भी प्रभु से मिलन का ही भाव है। अच्छा दादाजी साहब, तब तो मैं आपको अपने सांवरे से अवश्य मिलवाऊंगी। तुम्हारी भक्ति और आस्था का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मीरा बिटिया, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अन्य किसी को प्रभु के दर्शन हो या नहीं, परंतु जन्माष्टमी पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। दादाजी साहब, आपका आशीष मिल गया, मैं धन्य हो गई। अब आप विश्राम कीजिए, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कल इतना बड़ा दिन है इस परिवार के लिए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इतनी अतिथि आएंगे, कहीं उनके बीच मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे परिवार का मान गिरे। भाभी सा, यही चिंता मुझे भी है। मीरा तो एक जोगन के जैसे रहने लगी है, दिन रात गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है। अब तो उसे किसी बात की सुध-बुध भी नहीं रही। कहीं लोग उसे एक राजकुमारी नहीं बल्कि कहीं जोगन ही ना समझ ले। देवर जी सा, तब तो ये बात चित्तौड़ भी पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। कल जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हमारे पुत्र जयमल यहाँ आ रहे हैं, वो निगरानी रखेंगे कि मीरा ऐसा कुछ भी ना करे। भाई है उसका, उसी के आयु का है, हो सकता है मीरा उसकी बात सुन ले और मान भी ले। कल तक तुम मेरी खुशी मेरे आनंद का कारण थी, परंतु आज पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन गई हो मीरा। किंतु माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मीरा। कल जन्माष्टमी के उत्सव पर अनेकों अतिथि पधारेंगे, गुरु बिहारी दास भी होंगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो मेरे अपमान और लज्जा का कारण बन जाए। सुनते हैं ना,
जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि सब मुझे रोकते टोकते हैं, किंतु मुझ पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज तो माँ ने भी तुम्हें टोका, इसका दुख है तुम्हारी माँ को बिटिया, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। किंतु अब मैं और लाचार नहीं होंगी, मैं अड़िग हूं अपने विश्वास पर, आप मेरे हैं और मैं आपकी। इस बात को मैंने छिपकर अपनाया है, सबके सामने अपनाया है, और ये कह देते हो कि मैंने आपको सबके सामने शंखनाद पर अपनाया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छान कोई कहे चौड़े, लियो री बचता ढोल। सस्ता देखकर प्रेम नहीं होता, मैंने आपको अपने हृदय के तराजू में तोल कर अपनाया है। काला गोरा देखकर नहीं, मैंने आपको अपनी मन की आंखें खोल कर अपनाया है। कोई कहे मोहंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू रे तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी आँखियाँ खोल। आँख बसे मन अब तो पूरा जगत जान गया है गिरधर गोपाल, प्रेम का देकर मोल अनमोल आपकी मीरा इस जन्म में ही नहीं पिछले जन्म से आपको अपना चुकी है, तो अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। याही कुम सब जग जानत है, रियोरी अमोलक मोल, मीरा कुम प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। तरस गए मेरे नैना आपके तरस को, अब तो अपने दर्शन देकर तृप्त कर दीजिए मुझे। मीरा 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 मीरा, अपना कुछ तो ध्यान रखो, अपने गिरधर गोपाल के विचार में इतनी बावली मत बनो मीरा। सही कहा आपने, गिरधर गोपाल मेरे अपने हैं और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनका खूब ध्यान रखती हूँ, और ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं माँ, ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं। अब तुम्हें क्या समझाऊं मीरा, जब मेरी ही समझ जवाब दे चुकी है। ये वस्त्र लाई थी तुम्हारे लिए, कल तुम जोगन के भेष में नहीं राजकुमारी के रूप में सबके सामने आओगी, अपने परिवार की आन बान के लिए नहीं, मेरे लिए।
मेरे लिए भी नहीं तो अपने गिरधर गोपाल के लिए। कल उनका जन्मदिन है, और अगर उनके लिए ये भी ना कर सकी तो फिर किसी के सामने भी मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस व्यवहार के लिए लोग मेरे गिरधर गोपाल को दोषी ठहराएं। एक ओर मीरा अपने गिरधर की भक्ति और प्रेम में जोगन बनती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर परिवार को राजघराने के सम्मान की चिंता विचलित कर रही थी। और इन सभी के बीच मीरा को इन बातों का ध्यान भी नहीं था, वो तो अपने गिरधर के और निकट होती जा रही थी, और अब उनके साक्षात दर्शन पाने का समय भी पास आ रहा था। ऐसा चित्तौड़ से भी कोई अतिथि आने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं महाराज साहब ने क्या कहा था? देखो रतन सिंह, मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम उनकी पीठ पीछे मीरा का विवाह तय कर रहे हैं। इससे उन्हें दुख होगा। मुझे विश्वास है कि जिस दिन उन्हें बताने का समय आएगा, मेरे समझाने पे वो समझ जाएंगे कि इसी में परिवार की भलाई। प्रणाम पिताजी साहब। आओ पुत्र जयमल, तुम्हारा स्वागत। प्रणाम चाचा जी साहब। प्रणाम प्रणाम दादा साहब। प्रणाम दादाजी साहब। दादाजी साहब। अरे पुत्र जयमल, संभल कर, दादाजी साहब स्वस्थ नहीं है। लगता तो नहीं है चाचा जी साहब, दादा की भुजाओं में तो अभी भी मुझसे अधिक बल है। क्यों दादाजी साहब? पुत्र नहीं, शक्ति तो युवा भुजाओं में होती है, अब इस परिवार की शक्ति युवा पीढ़ी है। तो उसमें तो मेरा भी आती है ना, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जयमल भाई साहब। भाई का प्रणाम स्वीकार करो दीदी साहब। प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव बिहारी दास जी। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए अनेकों धन्यवाद। मुझे मेरे सद्गुरु भी मिल गए और गुरु की कृपा भी। तब तो तुम्हें तुम्हारे गिरधर गोपाल भी जल्दी मिल जाएंगे मीरा। आइए। बेटा जयमल, मैं आज तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आज के दिन मीरा पर विशेष ध्यान रखना, और अगर वो कुछ ऐसा करे जो परिवार को शोभा नहीं देता तो मुझे बताना। अपने गिरधर गोपाल के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम के नाम पर उसका व्यवहार राजघराने की मर्यादा के अनुसार नहीं है, उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। जन्माष्टमी की इस पुण्य तिथि पर, कृष्ण जन्म से पहले का समय, हम कृष्ण लीला की कथाएं सुनकर व्यतीत करेंगे। हरी चितवो जी मोरी ओ, हम चितवत वत, तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरे आशा चितनी तुम्हरी, और न दूजी ठोर, तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़, कब की थाड़ी अरज कर दो, अरज कर दो, अरज कर दो।
व्यक्ति को पवित्रता और सभ्यता दोनों सिखाता है। गुरु बिहारी दास ने कहा था कि आपको आंख में चोली खेलना बहुत पसंद है, तो फिर आपकी ये भक्त मीरा भी आज आपके साथ आंख में चोली खेलेगी कि आज वो आपको पकड़ सके। मीरा, विघ्नहर्ता गणेश में देखिए जन्माष्टमी महासप्ताह अब से शाम 6:30 बजे।